सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आपको भी हमारी क्रिकेट की खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश की टीम को टेस्ट व T20 सीरीज में हराने के बाद भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज की टीम से भिड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम भारत का दौरा करने जा रही है। इस दौरे पर वेस्टइंडीज की टीम को भारतीय टीम के खिलाफ T20 व वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए भारतीय टीम ने अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर दिया है। T20 सीरीज की शुरुआत 6 दिसंबर से हो जाएगी। भारतीय टीम का ऐलान पहले से इन दोनों सीरीज के लिए किया जा चुका है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस बार टीम में एक ऐसा खिलाड़ी शामिल है जो कि इन दोनों ही सीरीज में भारतीय टीम को अकेले जिताने का दम रखता है। और इस खिलाड़ी के टीम में आने से न सिर्फ भारतीय टीम की एक बड़ी परेशानी खत्म होगी बल्कि भारतीय टीम अब और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि भारतीय टीम के उभरते हुए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर हैं। वैसे तो इस साल श्रेयस अय्यर को विश्व कप के बाद हर एक सीरीज में मौका दिया गया है। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज दौरे पर जब श्रेयस अय्यर को टीम का हिस्सा बनाया गया था तो ODI सीरीज को जिताने वाले श्रेयस अय्यर ही थे। लेकिन अगर फिलहाल की बात करी जाए तो श्रेयस अय्यर फिलहाल तो सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में मुंबई की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। और एक मुकाबले के दौरान श्रेयस अय्यर ने कुछ ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई कि सबको मैदान में महेंद्र सिंह धोनी तक की याद आ गई। आपको बता दें कि यह रोमांचक T20 मुकाबला पंजाब व मुंबई की टीम की तरफ से खेला जा रहा था, जिसे मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर आते ही बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। इसके बाद आगे चलकर श्रेयस अय्यर ने इसी मुकाबले में 40 गेंदों का सामना करके ही 7 चौकों व 4 छक्कों की मदद से 80 रन अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों खास बात तो यह है कि इस दौरान श्रेयस अय्यर लगभग 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात तो यह है कि मैदान में श्रेयस अय्यर ने कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर छक्के भी लगाए जिन्हें देखकर सबको मैदान में धोनी की याद आई। तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रेयस अय्यर किस तरीके से आक्रामक शॉट्स मैदान में लगा रहे थे। और साथ ही श्रेयस अय्यर की यह तूफानी पारी कहीं ना कहीं भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए किसी राहत से कम नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया है तो नंबर 4 के स्पॉट को फिल करने के लिए। आपको बता दें कि यह वही स्पॉट है जहां पर भारतीय टीम का कोई बल्लेबाज लंबे अरसे से फिट नहीं हो पाया है। लेकिन अब श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय टीम की यह कमी भी पूरी होने वाली है। और दोस्तों यह तो थे श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी के कुछ आंकड़े। लेकिन आपको बता दें कि वेस्टइंडीज दौरे पर जब श्रेयस अय्यर को टीम का हिस्सा बनाया गया था तो एक मुकाबले के दौरान उन्होंने 68 गेंदों का सामना करके 71 रन लगाए थे, तो वहीं एक मुकाबले में तो श्रेयस अय्यर ने महज 41 गेंदों में ही 65 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। श्रेयस अय्यर भी वह खिलाड़ी थे जिनकी इन महत्वपूर्ण पारियों के चलते भारतीय टीम वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ उस समय पर ODI सीरीज जीत पाई थी। अब तो श्रेयस अय्यर की फॉर्म T20 फॉर्मेट में भी काफी ज्यादा बेहतरीन होती जा रही है। ऐसे में यह बात तो तय है कि वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ अब जल्दी होने वाली T20 व वनडे सीरीज में श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी का जलवा सबको देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि IPL 2019 में भी श्रेयस अय्यर वह पहले खिलाड़ी बने जो कि दिल्ली की टीम को क्वार्टर फाइनल तक लेकर गई। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेयस अय्यर अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखेंगे और 4 नंबर के स्पॉट पर पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, बात श्रेयस अय्यर व ऋषभ पंत की आती है तो कौन एक बेहतर बल्लेबाज है T20 फॉर्मेट में? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।